सोनाली फोगाट हत्या मामले को लेकर आज सर्वजातीय महापंचायत बुलाई गई है। जाट धर्मशाला में ये महापंचायत हो रही है और खाप पंचायत कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है, इस तरह की जानकारी लगातार बाहर आ रही है। दरअसल ये पूरा गुस्सा इस बात को लेकर है कि अभी तक इस मामले में जो सीबीआई जांच की मांग परिवार शुरुआती समय से करता आ रहा है, उस मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और लगातार मांग उठाने के बावजूद ये जांच को गोवा पुलिस ही आगे बढ़ा रही है। इस फैसले को लेकर लगातार विरोध भी देखा जा रहा है, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि गोवा में भी परिवार ने इस बात को लेकर उठाया था। सोनाली फोगाट हत्या मामले में यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें सर्वजातीय महापंचायत हिसार में, आप इन तस्वीरों में सोनाली फोगाट की बेटी को भी देख पा रहे हैं, यशोधरा भी इस सर्वजातीय महापंचायत में शामिल हुई है और मांग यही है कि इस केस को सीबीआई के सुपुर्द किया जाए, सीबीआई केस की जांच को आगे बढ़ाए। हालांकि गोवा पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है। पहले हमने पीएम साहब को और अमित शाह जी को और आरएस मोहन भागवत को भी सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी भेजी है। नहीं, कोई नहीं तो गोवा सरकार का कोई मैसेज है ना, हमने चिट्ठी भेजी वहाँ से कोई मैसेज है ना, हरियाणा सरकार से अभी तक कोई मैसेज मिला है। अभी देखो उनको ये केस दबाया जा रहा है तो वो भी कह रहे हैं हम आपके साथ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ हाँ, हम पीएम से भी मिलने की कोशिश करेंगे। तो तमाम बातें आपको लगातार ये भी सुना रहे हैं कि जो परिवार है वो आखिर कह क्या रहा है। सोनाली फोगाट के भाई की बातें आपने सुनी, मामले को दबाने की कोशिश हो रही है ये आरोप है परिवार का। और सबसे बड़ा मुद्दा कि आखिरकार इस पूरे केस की जांच सीबीआई करे। हालांकि अभी भी गोवा पुलिस ही जांच को आगे बढ़ा रही है और जिस जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है, यही वजह है कि इस मामले को लेकर लगातार परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर आज सर्वजातीय महापंचायत बुलाई गई है हिसार में। जाट धर्मशाला में यह महापंचायत हो रही है, तस्वीरें उसी महापंचायत की आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सोनाली फोगाट का परिवार गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, आरोप है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के भी कई नेता इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। सरकार की ओर से भी एक पत्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर गोवा सरकार को लिखा गया था। हालांकि गोवा सरकार का मानना है कि उनकी जांच, गोवा पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन सोनाली फोगाट का परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर इससे पहले भी कई दफा मांग यही की गई कि इस केस को सीबीआई को सुपुर्द किया जाए, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई है। दूसरी तरफ बीते दिन जहां इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कई दिन की पुलिस रिमांड के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और दावा है कि कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में आरोपियों की ओर से किए गए हैं। बहरहाल आखिर पुलिस की क्या कुछ चार्जशीट होती है, किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर सीबीआई जांच की मांग है वो बिल्कुल बरकरार है और इसी विषय को लेकर यह सर्वजातीय महापंचायत बुलाई गई है। मांग एक ही है कि इस पूरे केस को सीबीआई को सौंपा जाए, सीबीआई केस की जांच को आगे बढ़ाए, लेकिन गोवा पुलिस ही अभी भी जांच कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी सोनाली फोगाट के परिवार ने मुलाकात की थी सीबीआई जांच की मांग को लेकर।